हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप लोग। जैसा कि फ्रेंड हम लोग कर रहे थे क्लास 10th का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 हो गया था। आज हमको करना है एक्सरसाइज 8.3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति सारणियों के प्रयोग के बिना निम्न का मान ज्ञात करना। हमको इसका मान ज्ञात करना है मेरे भाई, लेकिन इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति सारणी का प्रयोग नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम रहने देते हैं। sin 25 को 25, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, 65। तो ये वही लिखा हुआ है, sin 25 को 25। ये किस में बदल जाएगा मेरे भाई, हमने बताया था ये बदल जाएगा साइन में, और किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बदल जाएगा sin 25। तो ये हो जाएगा हमारा sin²25। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, 6 70 sin 20 माइनस cos 20 cos 70 का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sec 90 माइनस 20। ये वही चीज़ लिखा हुआ है, और इसको सेम टू सेम लिख देंगे, इसको सेम टू सेम sin 20 माइनस लगाएंगे, इसको जैसे का तैसा लिखेंगे, cos 20 को 20। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20। क्या मेरे भाई, 90 माइनस 20, क्योंकि 90 में से 20 घटाएंगे 70 ही बचेगा, वही लिखा हुआ है। अब ये किस में बदलता है मेरे भाई, cosec में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा cosec 20। और ये क्या है मेरे भाई, sin 20 माइनस ये cos 20, ये बदल जाएगा sec में, तो ये हो जाएगा sec 20। इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 20। तो ये क्या हो जाएगा, sin 20 ये, और ये वाला नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 20 माइनस, इस cos को हम यही रहने देते हैं cos 20। इसको जब नीचे लिखेंगे तो ये बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा cos 20। आप देख रहे हैं, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा, यहाँ 1 - 1 = 0। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, tan 20 cot 70 माइनस sec 20 cos 70 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको सेम रहने देते हैं, tan 20 को 20, इसको लिख देते हैं cot 90 माइनस 20, क्योंकि घटाएंगे वही बचना है, माइनस लगाएंगे, sec 20 को sec 20, इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 20। मेरे भाई कुछ नहीं किए हम, इसको सेम लिख दिए, इसको क्या किए हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है, अब भी बस हम इस फॉर्म में लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 20 रहेगा, ये किस में बदल जाएगा, 10 में ये भी बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 20, हमने आपको पढ़ा रखा है। और ये sec रहेगा sec 20, ये बदल जाएगा मेरे भाई sec में, sec कितना हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा हमारा tan²20 माइनस में sec²20, इसका मान कितना होता है मेरे भाई, -1। कैसे, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, होता है sec²θ = 1+tan²θ। तो हम क्या करते हैं, sec को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले गए तो माइनस में आ गया, और आ गया tan²θ - sec²θ का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1। यानी कि बराबर कोण पे इन दोनों का अंतर कितना होता है, -1। तो इस क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आंसर, -1 आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसको वही रहने देंगे, नीचे वाले को चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, जो लिखा था वही हमने लिख दिया, बस 90 में घटा के लिख दिया मेरे भाई। अब इसको जो है वही रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस में 59, क्योंकि जब 90 में 59 घटाएंगे कितना बचेगा, 31 बचेगा। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा sec 70, अपन ये बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा,
ये बदल जाएगा सेक में, सेक कितना हो जाएगा 70 प्लस ये है साइन 59, ये भी किस में बदल जाएगा मेरे भाई साइन में, और कितना आ जाएगा 59, ये कट के एक हो गया, ये भी कट के एक हो गया, बीच में प्लस है तो कितना आ जाएगा 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसको जैसे लिखा है वैसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 35 को 35 प्लस लगाते हैं, पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे और लिखेंगे इसको साइन 90 माइनस 35, क्योंकि मेरे भाई 90 में 35 घटाएंगे कितना बचेगा 55 बच जाएगा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे हम, साइन स्क्वायर 35 प्लस ये मेरे भाई किस में बदल जाएगा, 90 में जब कुछ भी घटाते हैं किस में आता है, पहले में आता है, पहले चतुर्थांश में, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, और साइन किस में बदलता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 35, स्क्वायर को हम स्क्वायर लगा देंगे, साइन स्क्वायर 35, और इसको भी लिख सकते हैं मेरे भाई कॉस स्क्वायर 35, इसका मान 1, कैसे 1 होता है अभी आगे आप पढ़ोगे, एक सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका ये मतलब है किसी भी कोण पे बराबर कोण पे, किसी भी बराबर कोण पे साइन और कॉस का जो स्क्वायर का योग होता है वो कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, तो आगे हम पढ़ाएंगे इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं मेरे भाई, तो ये क्या है, जो भी लिखा है ऊपर को हम लिख देंगे कॉस, कॉस 80 है मेरे भाई, कॉस 80 लिख देंगे, नीचे को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 80, क्योंकि 90 में 80 घटाएंगे तो 80 बचेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है, बस हमने 90 में घटा के लिख दिया है, कॉस 59 को 59, और ये हमारा हो सकता है, इसे लिखा जा सकता है 90 माइनस 59। अब देखिए मेरे भाई ये जो है ये रहेगा कॉस 80 और ये बदल जाएगा कॉस 80 में, प्लस ये हमारा रहेगा कॉस 59 और ये किस में बदल जाएगा कॉस 59 में, मेरे भाई ये कट गया, एक आएगा और यहाँ भी एक आएगा, एक एक जोड़ेंगे 2, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आया लाइक से जरूर के चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।